स्पाटू तक का सफ़र मैंने आपको दिखाया था, और अब हम स्पाटू से तो खैर आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, पीछे मैंने नहीं शूट किया, वीडियो नहीं बनाया, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इस टाइम हम देवठी से निकल रहे हैं, देवठी पड़ता है स्पाटू और आपका सोलन के बीच में, हम इस टाइम देवठी से निकल रहे थे। मतलब मेरे लिए मोस्टली, क्योंकि मैं 20 साल सोलन रही हूँ, तो इस रोड पे काफ़ी आ जाना जाना होता था, सिंगल रोड है, और लेकिन बहुत अच्छा, मतलब व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ का सारा व्यू बहुत अच्छा है। और हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम भाई के घर जा रहे हैं, ऋषा को मिलने जा रहे हैं, कुछ काम था, इन्होंने वापस आ जाना है और मैंने वहाँ से चंडीगढ़ निकल जाना है। तो मैंने ना बीच में, क्योंकि गाड़ी में गाने लगे हुए थे ना, तो मैंने वो नहीं किया था, वॉइस नहीं दिया था, और मैं अब वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो पता ही चल जाता है, खैर वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मैं वॉइस ओवर देते देते ना, आप लोग नेचर इन्जॉय करो। और मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको, हम लोग ना ये जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के चक्कर में ना, मैं देखती हूँ ना, मेरे अपने ही सराउंडिंग में लोग इतना इस चीज़ में घुस चुके हैं ना, इतना घुस चुके हैं ना, भाई अपनी जो असली ज़िंदगी है ना, असली दुनिया है ना, वो दुनिया भूलते जा रहे हैं। और ये देखो, ये है कायलर विलेज, ये 6-7 किलोमीटर के दायरे में है, हिमाचल के सोलन के, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग ना फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग में क्या है, उनका जितनी भी क्रैश क्रॉप्स है ना, ये आपका मटर, टमाटर और शिमला मिर्च है, मिर्चे हैं, बीन्स हैं, मतलब ये जो जितनी भी क्रैश क्रॉप्स है ना, वो लगाते हैं। और बहुत, मतलब जो ये ज़मीन है ना यहाँ की, बहुत अच्छी ज़मीन है यहाँ की, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, और मेरे को लगता है भी शायद पूरे ही देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए जो है वो यहाँ से, यही वो एरिया है जहाँ से वो क्रॉप्स जो हैं वो बाहर जाती हैं, बाकी तो खैर नहीं, हाँ मतलब उसमें जाती है आपका 26 जो मंडी है, चंडीगढ़ मंडी में मोस्टली यहाँ से जाती है, सोलन में भी मंडी है, सोलन में सब्जी मंडी है पहले वहाँ पे, फिर आगे चंडीगढ़ मंडी में जाती है पहले, मतलब यहाँ मंडी में जाएंगी ना फिर। और ये देखो ना नीचे, जिसमें वो मतलब लकड़ियाँ सी लगा के खड़े गए, ये टमाटर की है, मतलब इस टाइम टमाटर की वो चल रही थी, टमाटर लगाए थे लोगों ने, जो बरसात में टमाटर होंगे वो उस टाइम लगाए हुए थे। तो मैं, हाँ मतलब आगे उसके लिए टमाटर तैयार होता है, और काश मैं इस टाइम गई होती यहाँ पे तो मैं टमाटर लेती, क्योंकि टमाटर इस टाइम ना 300 रुपये किलो, 250, 200, मतलब ये रेट चल रहा है टमाटर का, तो मैं टमाटर ले आती खूब सारे यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छी। तो हाँ मैं आपको क्या कह रही थी, सोशल मीडिया के बारे में बता रही थी, तो मैं जितने, ये नहीं है भी यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे भी 2-3 बहुत अच्छी फ्रेंड्स बने हैं, और मतलब लाइफ टाइम रहेंगे वो ऐसे फ्रेंड्स हैं। लेकिन पता क्या है, मोस्टली क्या है यहाँ पे ना, फेक बहुत हैं लोग। तो मैं आपको अपने, जो मेरे अपने हैं ना, मैं उनको तो ये समझाऊंगी, इन चीज़ों में मत पड़ो, अपने असली रिश्ते नाते मत भूल जाओ, ठीक है। ये जो है ना, एक वो होता है ना, मृग तृष्णा होती है ना, जैसे मृग तृष्णा, अरे आप लोग कोई वो चीज़ है ये, आप लोग किसी को क्या पर्सनली जानते हो, जो आप इतना मतलब लोगों की जिंदगियों में घुस रहे हो, और किसी को भी ना किसी की लाइफ में घुसने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। आपके रिश्तेदार है, नातेदार है, आपका परिवार है, सिर्फ ये हक उनको है, बाकी बाहर वालों को किसी को नहीं। किसी की ज़िंदगी में ना झांको, ना किसी को मौका दो कि वो आपकी ज़िंदगी में झांके, ठीक है। तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगी। और ये जो सामने दिख रहे हैं ना आपको, ये पोली हाउसेस हैं, पोली हाउस तो क्या है, हाँ पोली हाउसेस भी हैं, और ये ना नेट की वो होती है, एक चद्दर सी होती है, वो नेट की इन पे दी होती है, क्योंकि जंगली जानवर है, ओले वगैरह पड़ते हैं, उससे ना जो फसल है वो ख़राब ना हो, कि पूरा मतलब पूरा एरिया ना, जो ये पूरा एरिया यहाँ पे लोग ना यही खेती बाड़ी करते हैं, और बहुत अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छा, और नेचुरल है ये, इनमें वो दूसरे जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह वो नहीं होते हैं, तो ऑर्गेनिक है सारा, बहुत अच्छा। और ये देखो सामने करोल का टिब्बा है, और मैं करोल के टिब्बे की ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ से ना बोलते हैं भी अज्ञातवास में ना पांडव यहाँ ठहरे थे, और यहाँ से ना उन्होंने हरियाणा में जो कालका ना, कालका के लिए सुरंग निकाली उन्होंने यहाँ से, ये तो मैंने नहीं देखा यहाँ जाके, लेकिन कालका वाली सुरंग मैंने देखी है। और हम पहुँच गए थे अपने भाई के घर, राजीव के घर, और यहाँ से ये देखो बहुत सुंदर व्यू है पूरे सोलन का, उसके जो भाई ने ना घर लिया हुआ ना यहाँ पे, भाई के घर से बहुत सुंदर व्यू है पूरे सोलन का, बहुत सुंदर दिखता है ये, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत बढ़िया। और भाई ने भी ऊपर जो ऊपर वाली स्टोरी है उसे पिलर दे रहा है, शायद लेंटर डालेगा, उसका काम अभी बात नहीं हुई है, हम लोग ही चढ़े थे, बहन ही चढ़ी थी, भाभी अभी नीचे हैं, तो
पूछूंगी उसको, शायद मेरे ख्याल पिलर विल देके वो काम कर। बहुत सुंदर नज़ारा है पूरे सोलन का। और हम गए थे पानी लेने, मतलब भाई के घर के पास ना, ये नेचुरल सोर्स है वाटर का। और कहते हैं कि जिसको किसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है ना, ये पानी है ना, ये देखो किस तरह से ना, पता नहीं भगवान जाने कहाँ से, मतलब पीछे से पहाड़ों के बीच बीच में से यहाँ से नाले लगा के ऐसे निकाला हुआ है, बहुत अच्छा पानी है। तो हम पानी भरने गए थे, पानी लेके जाऊंगी मैं, कहा चंडीगढ़ भी। और ये देखो, ये भी टमाटर है, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, टमाटर खेती है। और ये इस तरह से ना, मतलब बहुत दूर दूर से लोग ना ये पानी लेने आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा पानी है ये, बोलते हैं ना निरोगा पानी बोलते हैं इसको। और ये ऊपर देवघाट गाँव है। और यहाँ इस के इर्द गिर्द में 20 साल रही हूँ। और ये है स्कूल यहाँ का। मैं स्कूल पता क्यों दिखा रही हूँ, मुझे ना हमारे गुरुजी होते थे मेरे पड़ोस में जहाँ मैं रहती थी, तो उन्होंने मुझे उस टाइम ना यहाँ पे, वो हेडमास्टर थे, हेड टीचर थे, तो उन्होंने मुझे टीचर के लिए ना यहाँ पे फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया था, तो मैं यहाँ टीचर लगी होती आज। लेकिन मेरे पति देव ना नहीं माने थे, वो मानते ही थे जॉब करना, मैं लगी लगाई जॉब छुड़वा दी थी। और ये है खुमानी के पेड़। खुमानियाँ तो खैर ख़त्म हो चुकी हैं, तो जब मैं स्कूल को देख रही थी ना, तो मुझे जब भी आती हूँ ना, तो मुझे याद आता है भी मैं भी यहीं होती आज। पर चलो, किस्मत है, जो मुकद्दर में लिखा वही मिलेगा। और अब हम लोग जा रहे हैं, विक्की हमें लेने आ गया था, भाई के घर से आ चुके हैं। वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कई लोग क्या मतलब भाभी वगैरह वो नहीं कंफर्टेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मैं कभी अगर कोई अनकंफर्टेबल है, मैं कभी नहीं लेती उन लोगों को, नहीं शूट करती, मैं वहाँ पे शूट नहीं किया। अब हम लोग जा रहे हैं सोलन की तरफ को। सोलन 1-2 किलोमीटर है यहाँ से, मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना है। तो सिस्टर के घर से हम आ चुके हैं, और सिस्टर के घर से आने के बाद ना फिर मैं शूट कर रही थी, सिस्टर के घर में कुछ मिसअप नहीं हुई थी, इसलिए हम वहाँ गए थे। और ये जो ऊपर सामने घर दिख रहा है ना, जिसपे ग्रीन सी टंकी है ना, इस मकान में, ये चंडीगढ़ रोड पे है, देवघाट में, मैं 20 साल रही, मेरी ज़िंदगी के ना, मतलब मेरी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी समझ लो इस मकान में यहाँ पे गुजरी है। और आज भी मेरी जान बसती है। मैं ना लेटी थी, और मुझे याद आया भी, मुझे ना वो करना है, ब्लॉग एडिट करना है और कंप्लीट करना है। तो मेरा ये जो हिमाचल का सफ़र था ना, मैंने आपको 2-3 वीडियोज़ में दिखाया, वो मेरा आज कम्प्लीट हो गया हिमाचल का सफ़र। और बहुत दिन हो गए मैं आप लोगों से मतलब रूबरू होकर बात नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे पता क्या लगता है, मुझे ना एक ना खालीपन सा लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी आपसे बात नहीं है। वॉइस ओवर बेशक दे रही हूँ, लेकिन आपसे इस तरह से इंटरेक्ट होकर बात नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है जैसे मैं मतलब मुझे आप लोग मिल नहीं रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स होते हैं। मतलब मोस्टली लोग ना वीडियो पे कम कमेंट करते हैं, मुझे DM में मैसेज किए होते हैं उन्होंने, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पता नहीं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, रब जाने मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोशिश मैं ज़रूर कर रही हूँ, अच्छा ये सोच रही हूँ कि अच्छे से अच्छा करके दूँ आपको, क्योंकि मुझे ना अपनी एक पहचान बनानी है, जो कहीं मैं खो चुकी हूँ, मुझे अपनी पहचान बनानी है। और मैं सबको यही चीज़ बोलूँगी ना, इस दुनिया की ना, जैसे मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में भी पीछे भी बताया ना, ये सब कुछ सोशल मीडिया सब कुछ है, अगर आपने टैलेंट है ना, वो टैलेंट दिखाओ, यहाँ पे टैलेंट दिखाने के लिए आओ, ना कि लोगों की लाइफ में झांकने के लिए, ठीक है, गलत फलत करने के लिए। मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं इंस्टा पे लाइव जाती थी, मैंने लाइव जाना छोड़ दिया। क्यों लाइव जाना छोड़ दिया, मैं ये नहीं, बहुत कम किसी की लाइव पे बैठ जाए, अपनी लाइव चलानी बंद कर दी है। बहुत अच्छे, मैं कहा 3-4 दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं इससे, इंस्टा से बहुत अच्छे मिले, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने लाइव जाना पता है क्यों छोड़ दिया है, मैंने ना कई लोगों को लाइव पे मतलब लाइव पे मोस्टली देखा है, भाई बहुत ना डबल मीनिंग सी, बहुत गलत गलत सी, मतलब ऐसी बातें करते रहेंगे। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए आए हो ना, हंसो खेलो, एक दूसरे को जानो पहचानो, पर ये नहीं भी एक दूसरे के अंदर घुस जाओ, तुम अपनी लाइफ भूल जाओ, अपनी ज़िंदगियाँ भूल जाओ, ठीक है। कईयों को, कई तो पता है कि 24 आवर्स आपको देखेगा कि या लाइव पे होंगे या चलो उनकी वो है, मैं उनको किसी को वो कमेंट नहीं करूँगी कौन क्यों होता है क्या नहीं है, वो उनकी लाइफ है, लेकिन असली ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हो, लोगों के घर में कलेश पड़ने लग गए हैं, ठीक है, मैं ये देखती हूँ कलेश भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर बस ये बोलूँगी ना, ये ना एक मृग तृष्णा है, मैंने तो यही चीज़ जानी है, ठीक है। अगर आप मृग तृष्णा है, पता क्या चीज़ है वाला, मतलब ये चीज़ है ना भाई, उसमें आपको, आप उसमें जाते हो रेतीली जगह पे, कहीं पे भी रेगिस्तान है उसमें जा रहे हो,
दूर ऐसे दिखेगा, पानी दिखेगा, जाओगे तो नहीं, वो मतलब वो वाली मृग तृष्णा। अरे भाई आप जिन लोगों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको पता नहीं है कौन है क्या नहीं है, बस अब इंस्टा पे अपने दो बातें कर ली उनसे, तो आप इनमें इतना घुस गए हो, इतना घुस गए हो भाई, उनकी जिंदगियों के अंदर झांकना शुरू कर दिया। तो ऐसा मत करो, अपनी जिंदगी में मस्त रहो और दूसरों को भी मस्त रहने दो। तो चलो मैं इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो ठीक है, सबको राम राम, जय माता दी सबको, और सब खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, ना दूसरे की ज़िंदगी में झांको, ना किसी को मौका भी मत दो वो आपकी ज़िंदगी में झांके, ठीक है ना। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और ऐसे सपोर्ट करते रहना, मेरा साथ देते रहना, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है जिसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। एक वीडियो ना, एक ब्लॉग एडिट करने में ना, अगर तो फटाफट चक के वैसे ही डाल देना जो शूट किया है तो चलो कोई वो नहीं है, लेकिन एक ब्लॉग को एडिट करने में 3-4 घंटे लगते हैं। मैं घर का काम भी करती हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की निभाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, जो मेरे आराम का टाइम होता ना मैं उसमें एडिट करती हूँ और ब्लॉग डालती हूँ। तो प्लीज़ स्किप करके मत देखा करो, देख लिया करो। और मैं सबको बोलूँगी, सब्सक्राइब बहुतों ने कर लिया लेकिन देखना कम कर दिया। मैं बीच में ना जो इरेगुलर हो गई थी ना, मैं 15-16 दिन, उसके बाद ना उस टाइम मेरे पास 200-250 सब्सक्राइबर थे और 600-700 लोग देखते थे और फुल वीडियो देखते थे, वॉच ओवर भी बहुत होते थे उस टाइम, मतलब फुल वॉच ओवर मिलता था मुझे। लेकिन अब लोग पता है क्या, 1 मिनट देख रहे हैं, 2 मिनट देख रहे हैं, अरे बाबा कितना बोर हो गई हूँ। आपका अपना हूँ, ठीक है ना। तो अपना प्यार बनाए रखो, वीडियो देखा करो। मैं पता क्या बोलती कईयों को, मैं मेरे आवाज ओवर बढ़ा दो यार, नहीं भी देखना ना, साइड में लगा के रख दिया करो, कितने बोर लगती मैं। लेकिन मैं इतना बोर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मैं यही चीज़ बोलूँगी, फेक बनना नहीं आता, मैं जो हूँ वही हूँ भाई, ठीक है। तो चलो राम राम, जय माता दी, बाय बाय।